हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में, जो है माइनक्राफ्ट गेम प्ले पार्ट 2। आई होप आपको पिछला गेम प्ले पसंद आएगा और ये वाला भी पसंद आएगा। पिछला गेम प्ले तो हमारा आयरन गोलेम को मारने में ही निकल गया था, और तब से मैंने भी माइनक्राफ्ट प्ले नहीं की, और तब से मैं भी अभी कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे मैं क्रिएटिव यूज़ करूँगा, इसलिए मैं खुद भी माइनक्राफ्ट प्ले नहीं कर रहा। देखिए मेरे पास वही सब सामान है, एक्स पिकेक्स, पटेटो, धर्म को आपको याद ही है पिछले गेम प्ले में हमको हमारे एप्पल खुद देने पड़े थे आयरन गोलेम की वजह से। पहले तो हम ये ब्लॉक हटाते हैं। एक क्या काम है, अब मैं जाने वाला हूँ इस विलेज से बहुत दूर, लेकिन एक बार मैं देख लूँगा कि अगर यहाँ कुछ उगाया हो तो मैं वो लेकर आ जाऊँ। अरे मेहमान हैं हम इनके, इनने हमारे लिए कुछ ना कुछ तो उगा के रखा ही। पहले एक घंटा बजाते थे, अब एकदम सुकून हो गया। और हमारी चैनल गेम्स ऑफ अवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो वहाँ कुछ होगा हुआ है तो फर्स्ट पहले हम वहाँ जाएंगे। फर्स्ट पर्सन का कैमरा ही मेरे को तो सबसे अच्छा लगता है, बाकी आप लोगों का नहीं पता। सिर्फ एक ही पाई अभी तक, क्या है यार। मैंने एक और भी फार्मलैंड देखा था जहाँ इन लोगों ने उगाया था सब, और वो मिल नहीं रहा। हाँ बोलता हूँ, मैंने एक और देखा था। हमारे पास एप्पल तो है नहीं, तो हम पटेटो से ही काम चला लेंगे। पटेटो को ही एप्पल समझ लेंगे हम, क्या करें भाई, गरीब इंसान है हम लोग। चलिए जल्दी जल्दी मैं सारे पटेटो तोड़ लूँगा। आई होप मेरे पास पटेटो की बहुत क्वांटिटी है। और हाँ, अभी तक हमारे पास 3 आयरन भी पड़े, हमने आयरन पिकेट भी नहीं बनाई, वो भी बनानी है। अरे यार टॉर्च फ्री है क्या, अरे क्या हो रहा है, ये टॉर्च क्यों लग जा रही है। अब पहले मैं क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करूँगा और बना लूँगा अपनी आयरन पिकैक्स। हाँ फिर से तोड़ूँगा, बस आ गया हमारे पास एक आयरन पिकैक्स, होना बहुत ज़रूरी था। अब मैं अपना सबसे पहला काम करूँगा कि मुझे स्टोन थोड़े चाहिए, ताकि मैं अपना सारा सामान स्टोन का कर सकूँ। वुड के सामान से तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी आगे चलकर। मैं तो सोचता हूँ मैं पूरी पिकेक्स स्टोन को माइन करते करते पूरी कर दूँ। इतने स्टोन्स काफी होंगे, लेकिन मेरे को पता है कि हमको ब्लॉक्स के लिए भी स्टोन चाहिए, कि हम कहीं भी ब्लॉक लगा के चढ़ उतर सकें, प्लस हमको हमारा घर भी बनाना है। और अभी तक हमारे पास ना कोल है, ना फर्नेस है, और कुछ भी नहीं है। और ना ही हमारे पास कोई अच्छा सा आर्मर है, हमको एक आर्मर भी बनाना है। आप लोगों ने जैसे देखा ही था, हमको आयरन गोलेम ने उड़ा उड़ा के मारा था। बस ये पिकेक्स पूरी होने वाली है, तब तक आप जाके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छी है। मैं बेड अपने साथ तब तक लेकर चलूँगा जब तक मैं अपना पर्सनल घर ना बना लूँ। बहुत अंधेरा है, अब सही है। वुडन पिकेक्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती, मैंने तो इतने स्टोन भी माइन नहीं किए जितनी जल्दी ख़त्म हो गई।
तो बताइए हम घर कैसा बनाएं, क्या अंडरग्राउंड बनाएं, सिगरेट वे वाला बनाएं, या फिर एक नॉर्मल सा घर बनाएं। मैं तो सोच रहा हूँ एक नॉर्मल सा घर बनाएंगे, फिर जैसा होगा उसके अंदर हम बनाते जाएंगे अंडरग्राउंड और सिगरेट वे। चलो हमारी एक पिकेक्स टूट गई है और हम टॉर्चेस भी अभी नहीं छोड़ सकते। कितनी जल्दी रात हो जाती है यार, कोई मॉब सुनाए तो अच्छा है। अरे इसका तो वही नहीं है, बेड ही नहीं है यार, क्या गरीब विलेज है। इसके वहां भी नहीं है, आप लोग सोच रहे कि मैं अपना बेड लगा के क्यों नहीं सो जाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जब मैं उसको तोड़ूंगा तो फिर मैं तो मेरा रिस्पॉन पॉइंट हट जाएगा और यह मेरा रिस्पॉन पॉइंट रहेगा। अगर मैं आसपास में मर भी गया मैं वापस से ही आ जाऊंगा। तो पहले मैं अपनी इन्वेंट्री थोड़ी सेट कर लेता हूँ और स्टोन के सारे सामान बना लेता हूँ, फिर आपको वीडियो दिखाता हूँ। हमारे पास देख लीजिए अभी कितना स्टोन है, 60 स्टोन है हमारे पास, 7। तो मैं क्राफ्टिंग टेबल में अपना सामान ही बना रहा था और इतने में इसने आके मेरे को मारना शुरू कर दिया विच ने, और एक इफेक्ट भी दे दिया। नहीं लगता नहीं मैं जीत जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं हो जाऊंगा। उससे थोड़ा दूर ही रहना है। मैं भी मैं अच्छा खासा अपना क्राफ्टिंग टेबल में सामान बना रहा हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ मैं आयरन का सब सामान बना लूँगा एक विच से डर के। और ये हंगर बार भी यूज हो गई, वापस हमने फुल कर लिया। हाँ जी जल्दी 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 चलो, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। फिर वो विच हमें दो बार इफेक्ट दे चुकी है, मैं तो सोच रहा हूँ उसको मार ही डालूं। अरे मेरे को जल्दी से अपनी रीजनरेशन करनी पड़ेगी, चला जाऊंगा मैं नहीं बचूंगा। पोटैटोज लगातार खत्म होते जा रहे हैं हमारे पास, तो हम वापस से रीजनरेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। हम वापस से रीजनरेट होना स्टार्ट कर चुके हैं। हम चेस्ट में पहले इन विलेजर्स के अपना कुछ फालतू सामान डाल देंगे। देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमको ये डोर हमारे कोई काम का नहीं, गोल्डन इंगट भी दो हमारे कोई काम के नहीं, ना ये और सीड भी हमारे कोई काम के नहीं, सीड भी हम रख देंगे। बस इतना सामान काफ़ी है। चलिए तो चलते हैं अब सर्वाइवल सीरीज में। अब पहले हम शिप को थोड़ा मार देते हैं ताकि हम रॉ मीट भी खा के अपनी HP बढ़ा सकें। जल्दी लाइव जा रही है और भर्ती भी बहुत कम है, दो पोटैटो खाने पर एक हंगर बार बढ़ती है। सबसे पहले मैं ये ओक लॉक्स माइन कर लूँगा, अरे काट लूँगा, ताकि हम जब केव में जाएं तो हमें प्लैंक्स या स्टिक्स की ज़रूरत पड़े तो हमें बाहर आना पड़े।
जल्दी 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 जल्दी, इसीलिए मैं स्टोन पिकेक्स बना रहा था। स्टोन पिकेक्स अरे क्या बोलते हैं, वुड के मुकाबले तो बहुत पावरफुल होती है, वरना इतनी जल्दी ट्री वुड पिकेक्स तो कभी नहीं काट सकती। देखते हैं बस कितने लॉग्स हो गए, काफी होंगे इतने लॉग्स पाइस कितने, ओ 37 बहुत हो गए। अब पहले मैं एक अच्छी सी खुली जगह ढूंढूंगा। देखो धीरे धीरे अब हमें फॉल डैमेज नहीं देना है, मेरे पास पानी की बहुत कमी है क्योंकि अभी तक हमारा फर्नेस भी नहीं बना। फर्नेस बन के भी क्या होगा, हमारे पास कोल ही नहीं है। चलो तो हमें यहाँ एक पिगी दिख चुका है, मिट्टी मारेंगे। अरे मैं क्राउच हो गया था, इतना बोलो मैं तेज क्यों नहीं मार पा रहा। वो एक और भी था, कहाँ है गया? आप लोगों को लगा होगा मैं इसके बीच इतना क्यों भाग रहा हूँ, लेकिन फूड बहुत जरूरी है। ये दूसरा विलेज है कि वही विलेज है? इतने सारे पोटैटोज लेकर हम चले थे, ये वो विलेज तो नहीं, ये फिर वही है यार। हम घूम फिर के आपस वहीं पहुँचे और ये लोग रात भी होने वाली है। क्या यार वीडियो भी इतने ज़्यादा मिनट की हो गई, आप लोगों को लगता होगा मैं कुछ कर ही नहीं रहा। जल्दी जल्दी हम निकल गए, अब तो बस सीधा माइनिंग पर जाना है, कहीं जाए ना जाए उस तरह। कोल सबसे पहले ढूंढ लेना है, यही होता है माइनक्राफ्ट में, जल्दी तुम भाग ही नहीं सकते उतरते वक्त। कोल मिल जाए या कोई केओ मिल जाए, ये केओ नहीं है। फिर से मेरी हंगर बार खत्म हो गई, तीन पटेटो। एक बार फुल कर लूँ, लेकिन ये फुल होती भी तो नहीं है, इतनी हो जाती है लेकिन उससे जल्दी पूरी हो जाती है। एक केव नहीं मिल गई, इतने बड़े माइनक्राफ्ट में वो एक केव नहीं मिल गई। आज दूसरा गेम प्ले है, आज तो केव ढूंढ कर ही जानी है। आयरन पिकेक्स बना ली पूरी मैंने, एक केव नहीं है रियली यार, पूरे माइनक्राफ्ट में एक केव नहीं है। आज का भी गेम प्ले लगता है फालतू जाएगा, मैं आपको केव ढूंढ लूं फिर आपको वीडियो दिखाता हूँ। दूसरा शिकार,
चलिए मैं केव ढूंढ के आप लोगों को वीडियो शुरू कर। हाँ तो जैसा कि दोस्तों हमें केव मिल तो गई है, लेकिन ये काफ़ी अंदर तक गई है और इसमें से निकलने में हमको बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं क्राउच कोल भी है, क्या करूँ, कूद ही जाते हैं, क्या कर सकते हैं। हाँ चलो, ओह कोल ये चीज़ हमें चाहिए थी, वही तो मिल गई। मतलब ऐसे निकलना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं निकलूँगा ही नहीं, मैं पहले इस केव को पूरा खाली खोखला कर दूँगा। कितना सारा कोल, अब यहाँ से तो अगर हमने जंप मारी तो हम सीधा चल ऊपर ही चले जाएंगे, तो इसीलिए हम एक एक ब्लॉक तोड़ते हुए नीचे जाएंगे। ये क्या था, ओह कितनी ऊपर से हम गिरे, सरवाइव कर रहे वही बहुत। चलो कोल तो हमारे पास बहुत सारा हो गया है, बहुत ऊपर दिख रहे हैं। पहले एक बार HP बढ़ जाए तभी मैं अंदर जाऊँ, वरना अगर अंदर स्केलेटन या कोई भी मिल गया तो हमारी तो हालत ख़राब हो जाएगी। पहले मैं टॉर्चेस क्राफ्ट कर लूँगा। फिर से हैंगर बार खोलिएगा, क्या है बार बार ये हैंगर बार ही खोलिएगा। पोटैटोज पर इतने बचे भी नहीं, पोटैटोज बहुत जाते हैं, इससे अच्छा एक एप्पल ले लो। चलो पहला हमारा आयरन, आयरन तो स्टोन पिकेक्स से टूट जाता है ना। और हमको गोल्ड भी मिल गया, चलो किस्मत बहुत अच्छी है हमारी। हाँ आयरन तो कैसे हमको यूज करनी है, ये केव तो बंद हो गया पर मेरे को पक्का है कि नहीं इसके नीचे भी बहुत कुछ होगा। मैं एक टॉर्च लगा दूँ ताकि आप सब समझिए। पता है मुझे स्ट्रेट माइनिंग करनी चाहिए, लेकिन यहाँ वाटर के नीचे कहाँ से लावा होगा। इसीलिए मैं इतने सारे कबल स्टोन लेके आया था और प्लैंक्स भी, ताकि ज़रूरत पड़े तो हम बाहर निकल सकें प्लैंक्स लगा लें। और हम पहुंच चुके हैं एग्जैक्टली 12 कोऑर्डिनेट पर। जहाँ डायमंड मिलने की संभावना होती है बहुत ज़्यादा। मैं टॉर्च भी लगा देता हूँ, मैं 4 ब्लॉक्स माइन करते करते जाऊँगा। कोल तो हमारे पास आ ही गया है,
ऑबलेट डीप स्काई शायद इसको बोलते हैं। रेडस्टोन, हमको रेडस्टोन भी मिल गया है, वो भी पहली फर्स्ट माइनिंग में। रेडस्टोन का कुछ खास ऐसे तो यूज नहीं आता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि फालतू है। हम एक और टॉर्च लगा देंगे, बहुत अंदर है, फिर हमारी हंगर बार। बहुत आयरन मिल जाए। अरे यार मैं इस पिकेक्स से तोड़ रहा हूँ, आयरन पिकेक्स से। बारह कोऑर्डिनेट पर अगर हम माइन करते हैं तो हमको डायमंड मिल जाते हैं। मैंने जैसा देखा वीडियो आज शायद थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन डायमंड माइन करके ही रहना है हमको। कुछ भी हो जाए, हमारी पिकेक्स भी टूट गई। तो रुकी, मैं एक, मेरा क्राफ्टिंग टेबल कहाँ गया? अच्छा इन्वेंट्री में आ गया था। मैं रुक जाए, ये क्राफ्टिंग टेबल बना के फिर आप लोगों को वो करता हूँ। मैं एक बार अपनी पूरी इन्वेंट्री सेट कर लूँ, फिर आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, हम इतने अमीर तो नहीं हैं कि आयरन की पिकेक्स बनाएं, इसलिए मैंने वापस से एक स्टोन पिकेक्स बना ली है। चलिए अभी हमारे पास कितना सामान है कुल देख लेते हैं। हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्लॉट खाली हैं सामान के लिए, और अगर ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी तो हम कुछ ना कुछ फेंक देंगे फालतू सामान। कोल माइन करना सबसे अच्छा होता है। क्योंकि अभी हमको अपना आयरन को स्मेल्ट करना है, खाना पकाना, इन सब के लिए कोल सबसे ज़रूरी है माइनक्राफ्ट में। मैं रुक जाऊँ, यहाँ भी एक टॉर्च लगा देता हूँ। तो कोल ही कोल मिल रहा है, टॉर्च की कमी क्या है यार। आज चाहे पूरी गेम प्ले की वीडियो पूरी हो जाए, लेकिन मैं तब तक माइनिंग करता रहूँगा जब तक हमको डायमंड नहीं मिल जाते। और मैं डायमंड का कोई सामान तब तक नहीं बनाऊँगा जब तक मेरे को माइंडिंग नहीं मिल जाती, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं यार फिर। ओहो, हमको हमारा पहला डायमंड मिल गया, आप लोग देख रहे हैं। रुको मैं टॉर्चेस लगा दूं पूरे में इसी खुशी में। तो हमारा पहला डायमंड यार, कोई खेल थोड़ी है। रुको पहले मैं इस पूरे डायमंड को बाहर निकालूंगा। ओहो पीछे और डायमंड है।
हेलो, तो हम कोई गलती नहीं करेंगे, हम अपनी आयरन पिकेक्स से पूरा इसे माइन करेंगे। एक डायमंड यार, पहला डायमंड, मज़ा आ गया बिल्कुल यार, मज़ा आ गया। चलो यहाँ भी दो डायमंड और हैं, मेहरबान है क्या माइनक्राफ्ट। ओहो, ऊपर भी डायमंड यार, क्या यार, क्या मज़ा आ गया, ज़िंदगी ऐसा लग रहा है बिल्कुल आसान हो गई। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा बाहर जाऊँगा और एकदम सेफली जाऊँगा, एक घर बनाऊँगा। कहाँ है, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कितने डायमंड मिले, मैं नहीं चाहता कि हमारे 11 डायमंड जो हमें पहले मिले वो हम वेस्ट करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं कोई अच्छी सी जगह ढूंढ लूँगा। आई होप कि आप सबको ये कंटेंट पसंद आया, और हमारे पहले डायमंड की खुशी में इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।